गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मजे में, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 2 में विषय गणित की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हमने अगले वाले वीडियो में क्या देखा था? चैप्टर नंबर 7, जग और मग, है ना। मैंने आपको समझाया था कि छोटी वस्तु में कितना तरल पदार्थ समाता है और बड़ी वस्तु में कितना पतला पदार्थ समाता है, है ना। तो हमने उसमें क्या क्या देखा था? गुंजाइश की बड़ी इकाई क्या होती है? लीटर। और गुंजाइश की छोटी इकाई क्या होती है? मिलीलीटर। ये हमने सीखा था, है ना। और किस पात्र में कितना तरल पदार्थ समाएगा ये भी हमने सीखा था। तो चलो आज हम सीखेंगे पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 के ऊपर आपको आज मैं समझाऊंगी। नीचे दिए गए सबसे पहले सूचना पढ़ेंगे। नीचे दिए गए पात्रों में से सबसे ज़्यादा तरल समा सके उसके लिए बॉक्स में राइट, और कम तरल समा सके इसके लिए गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो देखो यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं, छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? देखो ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, और ये मीडियम साइज़ का है। तो इसमें से हमें जिसमें सबसे कम समाता है उसमें क्रॉस लगाना है, और जिसमें सबसे ज़्यादा समाता है उसमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो इसमें सबसे छोटा पात्र आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये कप, है ना। तो इसमें हम गलत की निशानी लगाएंगे, इसमें हम गलत करेंगे। और जिसमें सबसे ज़्यादा समाता है तो वो क्या है? ये बाल्टी, इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, अभी देखो आगे दूसरे चित्र में। 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, जग, ग्लास और ये छोटी सी बोतल है, है ना। तो इसमें सबसे कम किस में समाएगा? तो ये सबसे जो छोटी बोतल है उसमें हमें गलत का निशान लगाना है। और ये जो जग है इस जग में सबसे ज़्यादा समाएगा, इसलिए इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर नीचे वाले चित्र देखो, चम्मच और ये कप और चाय पीने वाला कप बशी है, और ये चाय की किटली है। तो इसमें सबसे कम किस में समाएगा? तो चम्मच में, चम्मच में सबसे कम पदार्थ आएगा, तरल पदार्थ, है ना। और सबसे ज़्यादा जो आएगा तो चाय की किटली में सबसे ज़्यादा समाएगा, इसमें राइट का निशान करो, चम्मच में गलत का निशान हमें करना है। अभी देखो यहाँ पे नीचे पानी के पात्र 3 दिए गए हैं। एक है पानी की बोतल छोटी सी, फिर ये देखो पानी का बड़ा वाला पीप है जिसमें हम घर में पानी भर के रखते हैं वो वाला, और ये जो है ये पीने वाली बोतल जो फिल्टर बोतल आती है वो है। तो इसमें से सबसे कम बोतल में समाएगा, किस में समाएगा? बोतल में। तो बोतल में लगाओ क्रॉस का, गलत का निशान। और ये जो पीप है इसमें ज़्यादा समाएगा, इससे इसमें 2-3 गुना ज़्यादा समाएगा, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा समाएगा, इसमें कम। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पर नीचे 3 पात्र दिए गए हैं। एक तो ये प्लेट है, कटोरी है, और ये तपेला है। ठीक है, तो ये तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा किस में आएगा? ये जो बड़ा वाला बर्तन है इसमें हम दूध गर्म करते हैं, साग सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पतीला। ठीक है, और ये जो बशी है इसमें सबसे कम समाएगा, तो इसके लिए क्रॉस का निशान हमें यहाँ लगाना है। ओके, अभी आगे देखो पेज नंबर 77 पे देखो। एक गिलास नींबू शरबत बनाने की सामग्री, तो हमें एक गिलास की दी गई है, तो कितनी चाहिए? एक गिलास नींबू शरबत बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक गिलास पानी, 3 चम्मच चीनी, 1 चुटकी भर नमक, 15 बूंदे नींबू का रस यानी आधा नींबू। ओके, तो एक गिलास हमें बनाना है केवल नींबू शरबत, तो एक गिलास पानी, 3 चम्मच चीनी, 1 चुटकी भर नमक और 15 बूंदे नींबू का रस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो हमें एक गिलास का दिया गया है, हमें 2 गिलास का निकालना है। तो 2 गिलास नींबू शरबत बनाने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए? 2 गिलास नींबू शरबत बनाने के लिए 2 गिलास पानी चाहिए। कितने? 2 गिलास पानी चाहिए, तभी हम 2 गिलास शरबत नींबू शरबत बना सकते हैं। 3 गिलास नींबू शरबत बनाने के लिए कितनी चम्मच चीनी चाहिए? अभी यहाँ पे चीनी पूछा था, ऊपर क्या पूछा था? पानी, यहाँ पे क्या पूछा है? चीनी। तो 3 गिलास नींबू शरबत बनाने के लिए कितनी चम्मच चीनी चाहिए? तो 1 चम्मच बनाने के लिए 3, तो 3 चम्मच 3 गिलास बनाने के लिए कितने? यानी 3 × 3 बराबर 9 चम्मच हमें चीनी चाहिए। ठीक है, तो 1 गिलास नींबू शरबत बनाने के लिए 3 चम्मच हमें शक्कर चाहिए,
तीन ग्लास बनाना हो तो कितने चाहिए, इसलिए 3 × 3 = 9 यानी 9 चम्मच, 9 चम्मच हमें यहाँ पे चीनी चाहिए होगी। चलो आगे देखो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 3 = 9। आप 3 + 3 + जोड़ कर कर भी कर सकते हो या गुना कर कर भी कर सकते हो। अगर आप 3 + 3 + करोगे तो भी आपका जवाब वही आएगा। 3 + करना है, देखो एक ग्लास के लिए 3, फिर दूसरे ग्लास के लिए 3 चम्मच और तीसरे ग्लास के लिए भी 3 चम्मच, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसका जोड़ किया तो कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 2 ग्लास नींबू शरबत बनाने के लिए कितनी बूंदे नींबू का रस चाहिए, तो हमें नींबू का रस बताना है। 1 ग्लास बनाने के लिए 15 बूंदे चाहिए, तो 2 ग्लास बनाने के लिए कितने, यानी 2 × 15, तो 2 × 15 यहाँ पर गुणाकार करना होगा, तो 2 × 15 यानी 30, और जोड़ करोगे तो 15 + 15 यानी 30। ठीक है, तो 2 × 15 यानी 30, तो हमें यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे गुणाकार करके दिखाती हूँ आपको। 2 × 5 = 10, 10 से 0 आया 1, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, 30। ओके चलो, 2 ग्लास नींबू शरबत बनाने के लिए कितने नींबू का रस चाहिए, तो नीम कितने बूंदे चाहिए, 30 बूंदे चाहिए यानी 1 नींबू का रस। चलो, 3 ग्लास नींबू शरबत बनाने के लिए कितनी चुटकियां भर नमक चाहिए, तो हमें 1 ग्लास नींबू शरबत बनाने के लिए 1 चुटकी नमक चाहिए, तो 3 ग्लास बनाने के लिए 3 × 1 यानी 3। आधे नींबू का, आगे देखो, आधे नींबू में से 15 बूंदे नींबू का रस निकलता हो तो पूरे नींबू में से कितना निकलेगा। ठीक है, आधा यानी 15 × 2, 1 नींबू में से, आधे नींबू में से 15 बूंदे, तो 1 नींबू में से कितने, यानी 1 नींबू के हमने 2 भाग किए हैं, 1 और 2, 2 भाग होते हैं ना, आधे आधे, इसलिए 15 × 2 यानी 30, 30 बूंदे नींबू का रस हमें मिलेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर नीचे वाला, कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। चलो, गन्ने का रस छोटा ग्लास 5 रुपए में है और बड़ा ग्लास 10 रुपए में है, है ना। आप कभी कभी पीने जाते हो ना गन्ने का रस, तो छोटा 5 रुपए में और बड़ा 10 रुपए में है, तो गन्ने के रस 2 छोटे ग्लास कितने रुपए में चुकाने पड़ेंगे, यानी हमें 2 बार 5 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 + 5 = 10। ठीक है, तो 10 रुपये हमें यहाँ पर चुकाने पड़ेंगे, 5 और 5 जोड़ किया है। ठीक है, 5 × 2 करेंगे तो भी आ जाएगा। चलो, गन्ने के रस के 2 बड़े ग्लास कितने रुपए के आएंगे, तो हमने 2 ग्लास पिए हैं। ठीक है, एक आपने पिया और एक आपकी मम्मी ने पिया, तो 2 ग्लास नहीं हो गए, तो 10 × 2 किया हमने, 10 × 2 = 20। ठीक है, आगे देखो, गन्ने के रस में 1 छोटे गिलास और 1 बड़े गिलास के कितने रुपए लगेंगे, तो कहा है 1 छोटा गिलास कितने रुपए का है, 5 रुपए का, 1 बड़ा गिलास कितने रुपए का है, तो 10 रुपए का, यानी 5 + 10 जोड़ करना है यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, तो 5 + 10 = 15 रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न को समझोगे तो आपको जल्दी जल्दी से आने लगेगा। गन्ने के रस के 2 छोटे गिलास और 1 बड़े गिलास के कितने रुपये लगेंगे, तो गन्ने के रस के 2 छोटे गिलास कहा है, यानी हमें 2 बार 5 5 लिखना है। कितने कहे हैं, देखो यहाँ पर, गन्ने के रस के 2 छोटे गिलास कितने कहे हैं, 2 छोटे गिलास, 1 छोटे गिलास के कितने हैं, 5 रुपये, तो 2 बार 5 5 लिखो, और 1 बड़े गिलास यानी 1 बार 10 रुपये लिखो, यानी 5 + 5 + 10 यानी कितने हो जाएंगे, 20 रुपये हम यहाँ पे चुकाने पड़ेंगे। चलो, गन्ने के रस के 1 छोटे गिलास और 2 बड़े गिलास में कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो गन्ने के रस का 1 छोटा गिलास कितने रुपए का है, 5 रुपए का, और 2 बड़े गिलास का है, यानी 2 बार 10 लिखो, बड़े गिलास के कितने हैं, 10, फिर 1 बार 10। ठीक है, तो 1 ग्लास बोला है तो 1 बार 5 रुपीज़ लिखो, और 2 बड़े ग्लास लिखे यानी 2 बार हमें 10 10 लिखना है, फिर इसको काउंट करो, 10 10 20 और 5 25। ठीक है, आप इसको उंगली के ऊपर भी काउंट कर सकते हैं, गोले बनाकर भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, गन्ने का रस 1 छोटा ग्लास 5 रुपये में, गन्ने का 1 बड़ा ग्लास 10 रुपये में था, तो गन्ने के रस के 2 छोटे गिलास हमने लिए, तो 2 बार हमें 5 + 5 यानी 10 रुपये होंगे। गन्ने के रस के 2 बड़े गिलास कितने रुपए में होंगे, तो 10 + 10, 2 बार 10 10 किया तो 20 रुपये हो गए। ओके, तो आप जोड़ करके भी इस तरीके से कर सकते हो, गुना करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, जोड़ करके करोगे तो आपको जल्दी आएगा, पहाड़े आते हैं तो जो गुना से भी करोगे तो भी चलेगा। चलो, तो गन्ने के रस के 1 छोटे गिलास का है तो 5 रुपये लिखो, 1 बड़ा गिलास तो 10 रुपये लिखो, 5 + 10 यानी कितने हो गए, 15, ईजी एकदम। चलो, गन्ने के रस के 2 छोटे गिलास, 2 छोटे गिलास का है यानी 2 बार 5 5 हमने लिखे यहाँ पे,
दो बार 5-5 लिखना है, दो छोटे ग्लास यानी दो बार 5-5 प्लस एक बार बड़ा ग्लास बोला है, यानी बड़े ग्लास के कितने रुपए हैं, 10 रुपए। तो 10, 5, 15 और 5, 20 रुपए हमें यहाँ हो गए। ठीक है सर, आरुषि, तो गन्ने के रस के एक छोटे ग्लास और दो बड़े ग्लास के कितने रुपए होंगे, तो एक छोटा ग्लास यानी 5 रुपए और दो बड़े ग्लास यानी दो बार 10-10 हमें लिखना है, दो बार 10-10 लिखा यानी 10 और 10 ये 20 रुपए इसके और 5 रुपए इसके। ठीक है, तो गन्ने के रस के हिसाब से हमने सीखा है आज कितने रुपए, एक के कितने रुपए हैं, दो के कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, जोड़ करके भी कर सकते हो, गुणा करके भी आप कर सकते हो। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे पूरा। ओके, बाय।